नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। आवास पाकर खिले आवंटियों के चेहरे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 92 आवास वितरण हुए। फिरोजाबाद चुकाबाद विकास प्राधिकरण में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी रवि रंजन मौजूद रहे। उसाइनी स्थित बिजली घर के समीप 568 आवासों का निर्माण हो रहा है। इससे पूर्व भी 100 से अधिक लोगों को आवंटित हो चुके हैं आवास। फिरोजाबाद जिलाधिकारी रवि रंजन के निर्देशन में लॉटरी सिस्टम पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुआ आवासों का आवंटन। वहीं बता दें, परियोजना अधिकारी सुभाष वी राजपूत, विकास प्राधिकरण अधीक्षण अभियंता कप्तान सिंह सहायक, अभियंता AK सिंह, जूनियर इंजीनियर सुनील राजौरिया, जय राकेश तोमर सहित कई लाभार्थी मौजूद रहे। विकास प्राधिकरण में कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले संचारी रोग एवं साफ सफाई के लिए लाभार्थियों एवं कर्मचारियों को जागरूक किया। DM रवि रंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर गरीब के पास आवास हो अपना शहरी आवास योजना के तहत 92 लोगों को पारदर्शिता के साथ आवंटन हुआ। जून 2023 तक कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी आवंटी भवनों में निवास कर सकते हैं। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। किस योजना के अंतर्गत है और कितने लोगों को लाभ मिलेगा? जी, आज यहाँ पे फिरोजाबाद शुकाबाद विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम होती है उसके अंतर्गत ये लकी ड्रॉ लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 92 जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आवास आवंटन किया जा रहा है। और ये जो उसाइनी में यहाँ का प्रोजेक्ट है उसमें इसमें 3 फ्लोर्स पे अलग अलग जो फ्लैट्स बने हैं उसको लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जा रहा है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम है उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, जिसमें लाभार्थी कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं और बाकी की जो धनराशि है वो प्राधिकरण की तरफ से, सरकार की तरफ से होती है। तो उसी का ये आज कार्यक्रम हुआ है। ये जो लाभार्थी हैं वो कब तक मिल जाएंगे आवास? ये आवास जो हैं सब जून 2023 तक के वैसे कंप्लीट होना है और ये आवास इनके बने बनाए हैं तो ये अलॉट हो रहे हैं और इसका पोजीशन इनको मिल जाएगा। आज आपने संचारी रोग के बारे में भी जानकारी दी, क्या कहना? जो आज हमारे 92 लाभार्थी हैं सभी लोगों को इस बारे में भी अपील की गई कि नए घरों में जब ये प्रवेश करेंगे तो घरों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और संचारी रोग अभियान भी चल रहा है, तो इसमें घरों के अंदर कूलर छतों पे कहीं पानी न जमा हो जिससे उसमें डेंगू के लार्वा या मलेरिया के मच्छर न पैदा हो, तो इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ अपने घर के बाहर भी साफ़ सफाई, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने के लिए अपील की गई।